हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ जर्नी एंड डेस्टिनी। ओके, यहाँ पर तीनों क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल बॉल है। यहाँ पर आप इंट्यूटिवली क्रिस्टल बॉल को यहाँ पर चूज़ कीजिए। ओके, ग्रुप नंबर वन, रूबी इनकार्नेट। थैंक यू मास्टर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर टू, रेनबो मूनस्टोन। ग्रुप नंबर थ्री, एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल। जो क्रिस्टल बॉल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी लाइफ जर्नी एंड डेस्टिनी। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम। चलिए देखते हैं लाइफ जर्नी एंड डेस्टिनी आपके लिए। ओके, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने चूज़ किए हैं रूबी इनकार्नेट। बहुत कम व्यूअर्स इस पाइल में आएंगे, आई डोंट नो, आई फील बहुत कम व्यूअर्स इसको चूज़ करेंगे। जो चूज़ करेंगे वो बहुत खास है, बिकॉज रूबी इनकार्नेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव रेयर क्रिस्टल है माय डियर। एंड कायनाइट की इस क्रिस्टल में रूबी के हिस्सा ज़्यादा है माय डियर, कायनाइट से भी ज़्यादा। तो रूबी इनकार्नेट में कायनाइट से ज़्यादा रूबी के हिस्सा ज़्यादा है। तो आप में हिडन टैलेंट कूट कूट के भरे हैं, बट बहुत कम लोग उस तक पहुँचेंगे माय डियर, या फिर उसको रेस्पेक्ट करें या फिर जानेंगे माय डियर। थैंक यू, हु आर यू, ग्रुप नंबर वन, थैंक यू। एक्यूरेस में यहाँ पर आपकी आपकी कोई जोडियक साइन की रीडिंग नहीं हो रही है, मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। दिस इज़ टेंथ हाउस का एनर्जी है, दिस इज एक्यूरेस। ओके, एंड द सैटर्न एनर्जी, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न और एक्यूरेस, इज सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न और एक्यूरेस। माय डियर, ये तो पूरी शनिदेव का एनर्जी आ रही है। आप बहुत सीरियस किस्म की एनर्जी है माय डियर। मुझे बहुत ही जैसे बचपन से ही एनर्जी मौजूद है, मतलब उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है। मतलब बचपन ऐसा नहीं गया है कि सोने की चम्मच लेकर जन्मी है एंड जो मेरा उसी वक्त सब कुछ मिल गया है। नो, एनर्जी इज़ वेरी सीरियस, स्ट्रगलफुल एनर्जी, देरी की कारक है होते शनिदेव। घिसक घिसक के रगड़ रगड़ के जीवन चलते हैं ना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। टेक्नोलॉजी फील्ड को लेकर काम करना, अथॉरिटी पोजिशन को लेकर काम करना, बट यू आर वेरी हार्ड वर्कर। सैटर्न एंड कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्कर। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। कुछ और मैसेजेस देखते हैं, वॉर यू आपके बारे में, थैंक यू। दिस इज एरिज, नो डाउट आप बहुत ही हार्ड वर्कर है, बट अगेन दिस एरिज, दिस नेपच्यून, एंड मुझे यहाँ पर सिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है, नाइन भी हो सकती है बट मुझे सिक्स ही दिखाई दे रही है। दिस इज सिक्स हाउस, एवरेज एनर्जी एंड नेपच्यून। नो डाउट आप ड्रीमी भी है, क्रिएटिव पर्सन है, पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, किसी ना किसी फील्ड में आप सिद्ध हस्त है माय डियर, एक्सपर्ट है माय डियर। बट अगेन बिकॉज नेपच्यून इन एवरीज एनर्जी, बिकॉज एक ड्रीम कहते हैं एक एक्शन, थोड़ी कभी कभी चीज़ें रुक जाते। जैसे कोई तपस्या में अगर लीन हो तो उसको जगाने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो आपको भी हिलाने के लिए, किसी काम में जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जर्नी, थैंक यू। यहाँ पर मैं फर्स्ट हाफ में देखूँगी आपकी लाइफ जर्नी। ओके, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। मैं टैरोट शफल करूँगी, ओरेकल मैसेजेस मैंने शफल की है। थैंक यू स्पिरिट का, लाइफ जर्नी, हार्ट होम कंपैशन नंबर 27, थैंक यू। कंपैशन, इट्स नॉट लव और सेक्स, इट्स ऑल अबाउट कंपैशन। कंपैशन को ईश्वर की कड़ी माना जाता है माय डियर, थैंक यू। यस, मुझे गिटार दिखाई दे रही है माय डियर। यहाँ पर एक यू नो पेंटिंग वो पैलेटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर पेंटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पर मुझे ब्रश दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव मास्टर नंबर 33, इंस्पिरेशन, जॉयफुल म्यूज, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बोल रही थी कि जीवन पथ में कोई एक पर्सन आपका मॉडल होगा जिसको देखते ही जीवन घूम जाएगा कि यस, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। आपकी जीवन के मोड बदल जाएंगे किसी पर्सन को देखकर। वो आपकी रोल मॉडल हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पर उस व्यक्ति के नाम नहीं बोल रही या फिर मेंशन नहीं करेगी कि वो कौन है, बट कोई ऐसा शख्स होगा आपकी इस लाइफ जर्नी में जिसको देखते हुए या फिर जिसकी गाइडेंस की वजह से, इंस्पिरेशन मोटिवेशन की वजह से आपकी जीवन की पाथ घूम जाएगा। पहले आप भटकेंगे, कंपैशन एनर्जी, पहले आप हो सकते थोड़ी भटकेंगे, ये घूमेगा माय डियर। एंड आप में क्रिएटिविटी एनर्जी आ रही, लिरिक्स लिखना हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो,
कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी इस लाइफ जर्नी में जुड़ी है माय डियर। वाटरफॉल एफर्टलेस, नदी की स्रोत को एक बड़ी पर्वत भी रोक कर नहीं रख सकते। अगर वो स्रोत को मिलना है समुंदर के साथ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पर्वत भी उस स्रोत को रोक नहीं सकते। वो धीरे 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 पर्वत को चीर कर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ योर जर्नी माई डियर। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। बह जाना है तो नदी की स्रोत जैसे बह जाती है, फिक्स्ड है, डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, तो बह जाना ही है। एंड पाथ भी फिक्स्ड है माई डियर आपका। बट शुरुआती दौड़ में, जैसे हर नदी की स्रोत में बीच में एक ऑब्स्टकल पर्वत के रूप में, एक बड़े पत्थर के रूप में आते हैं, आपका जीवन भी ऐसा ही माय डियर। रुक रुक के चलेगा, नदी की स्रोत एकदम से निकला और एकदम से वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं। फोग भेल, एक टाइम में ऐसा समय आपका जीवन काल में आएंगे माय डियर, जहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ थम सा जाएगा। आपको पूरी तरह से लगेगा कि इस पर्वत को चीरा नहीं जाएगा और आगे स्रोत को आगे लेकर नहीं जा सकते, सब कुछ रुक चुकी है और कुछ होगा ही नहीं। दिस इज़ द टावर मोमेंट, दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पर 180 डिग्री टर्न लेंगे। ये एनर्जी तब हावी होगा, ये एनर्जी आएगा एंड कहीं ना कहीं कोई पर्सन हो, इंस्पिरेशन हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई गुरु हो, बट आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये जो टर्निंग सिचुएशन यहाँ पर आएंगे, ये आएंगे ज़रूर माय डियर आपकी लाइफ में। दिस इज़ रिलीज ऑटम्नल इक्विनॉक्स। वृक्ष भी अपने पत्ते का मोह नहीं रखते माय डियर। तो नदी में जो पत्थर कुछ देर तक उस स्रोत के साथ चलते हैं एंड समय के साथ कुछ चले भी जाते हैं, उस स्रोत में बहकर चले भी जाते, कुछ किनारे में अटक जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग भी आपकी जीवन काल में आएंगे, जो कुछ मतलबी लोग, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली, बिकॉज फॉगी इज लाइक ए स्नीकी, इज लाइक ए चीटिंग। तो ऐसे सिचुएशन में आप फंसेंगे या फिर किसी पर्सन की वजह से, जिस हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर चीटिंग ही नज़र आ रही है, कि कुछ ऐसे मतलबी लोग हैं आपसे एडवांटेज लिया। जब रिटर्न देने का टाइम आया, फीडबैक देने का टाइम आया, चल बसे, तो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपका आमना सामना होगा। रिलीज़ करेंगे आप ऐसे कोई चैप्टर को जो शायद इस टावर मोमेंट को क्रिएट करेंगे, एक पर्वत आपकी स्रोत के सामने लेकर आएंगे। तो ये आपको रिलीज़ कर आगे बढ़ना है माइंड है। बट अगेन लाइफ जर्नी में एक टाइम पे दिस इज़ द स्टॉप एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, एक थोड़ी टाइम के लिए एक बड़ी सी ब्रेक नज़र आ रही है। दिस इज़ द वेल एनर्जी जहाँ पर आपको सूर्योदय दिखाई नहीं दे रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। ए चेंज इन द वीन नंबर 12 एनर्जी, थैंक यू। एंड कम्युनिटी, यहाँ पर आप कुछ व्यूअर्स हैं, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, अपनी कर्मा की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत सारी सोल ट्राइब, आपकी पिछले जन्म से जैसे कुछ सोल ट्राइब, सोल मेंबर इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इनके साथ आपकी मतलब फैमिली बहुत बड़ी है। अगर मैं सिंपली कहूँ, ये कोई माँ बाप, कोई न्यूक्लियर फैमिली आपका नहीं है, मैं फैमिली मतलब आपकी सोल कॉन्टैक्ट में सोल मेंबर बहुत होगा। कोई अगर सोशल मीडिया में है, यू आर हियर, आप मेरे चैनल पर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सोल ट्राइब, मेरी सोल ट्राइब में कोई ना कोई तालमेल ज़रूर है, दैट्स वाई यू आर हियर। तो यहाँ पर ऐसी कोई सोल ट्राइब के साथ आपकी मतलब एक बड़ी सोल ट्राइब आपकी जर्नी में, पाथ में मुझे नज़र आ रही है, जो आपके जीवन को हो सकता है दिस कंपैशन, इस एनर्जी में लेकर आने में मदद करेंगे माय डियर। एंड बदलाव आएंगे, जो आपकी वेल एनर्जी दिखाई दे रही है वो एनर्जी बदलेंगे माय डियर, वो आप एक साइकिल में स्टक नहीं रहेंगे। थैंक यू मस्पेट का है, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस, यस मैं ही बोल रही थी, कोई आपकी बातचीत में कुछ ऐसे योग है, व्हाट इज़ दिस, मैं देखना चाहती हूँ। रेजिस्टेंस, जैसे कोई यू नो कोई फूक मार रही है, कार्ड ऑफ रेजिस्टेंस। एंड मैं जब भी इस कार्ड को पकड़ी, मेरी कैमरा ऑफ हो गई माय डियर, आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ लाइक ए डेविल एनर्जी। एंड ए पर्सन जैसे फूक मार रही है एंड सम हाउ इस स्टेयर केस में उठना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं, बट ये एक्चुअल में एक ईश्वर के हाथ में है माय डियर, वो उनका आराध्य हो, कोई भी है, एक एंजल और ईश्वर के हाथ में वो लड़की है, बट कोई बाधा प्रदान कर रही है, कोई ऑब्स्टकल यहाँ पर क्रिएट करे ताकि वो ना पहुँचे। मैं देखना चाहती हूँ आपकी बातचीत में ऐसे कोई योग हो सकते हैं, या फिर आपकी सिक्स हाउस में केतु का आस्पेक्ट हो सकती है, मून हो सकती है, थैंक यू, राहू का आस्पेक्ट हो सकते, राहू प्लेसमेंट हो सकते, शत्रुता, राजनीति, थैंक यू। रेजिस्टेंस ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। मार्स स्कॉर्पियो, डेफिनेटली स्कॉर्पियो इज़ अ हिडन एंड नंबर 8, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियन एनर्जी, हिडन एनिमिटी एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आपके जो शत्रु होंगे ना, दिग्बली है माय डियर, एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी,
वीक वल्नरेबल एनिमी नहीं है आपके जो एनिमी होगा। थैंक यू मच स्प्रेड का दिस इज़ ट्रस्ट। यही तो ज़रूरत है कि मैं यहाँ पर एक ईश्वर के हाथ में हूँ, मैं गिरूँगी नहीं। ये जब तक आपकी भरोसा रहेगा माय डियर, आप गिरेंगे भी नहीं। कोई खाई में गिर रही है, अगर वो अपने ईश्वर के नाम भी वो स्मरण करे तो निस्संदेह है वो खाई में गिरेंगे तो नहीं माय डियर, एटलीस्ट वो फिर से जीवन को प्राप्त करेगा। तो ये ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ये पायल कंपैशन जहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड है, नो डाउट यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सैक्रेड एनर्जी एंड धर्म कार्य हो, सनातन धर्म को एक्सप्लोर करना हो। आपकी एनर्जी में मुझे एक यू नो सेंसिटिव वल्नरेबल एनर्जी नज़र आ रही है, नदी स्रोत की एनर्जी आ रही है, वल्नरेबल एनर्जी। बट आप पद पद पर ना ठोकर खाते हो काम करते करते, मतलब हर चीज़ें आपका चाइल्डहुड पीरियड हो, मतलब आसान नहीं है जीवन। एक नदी का जीवन आसान नहीं होता है, से सोर्स टू लेकर जब तक वो डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे तब तक जर्नी है, तब तक पद पद पर स्ट्रगल है। आप देखते हो ना कोई पर्सन फर्स्ट फेज में काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया, सेकेंड फेज में लास्ट फेज में काफ़ी रिलैक्सली यू नो रिलैक्स होकर जीवन को व्यतीत करे। बट ये जो पायल है ना, ये संघर्ष कर रहा है, पल पल संघर्ष कर रहा है माय डियर, अपने स्रोत को आगे लेकर जाने। एंड हर वक्त रेजिस्टेंस, हर वक्त रेजिस्टेंस, एंड आप ट्रस्ट रख रहे हो कि हाँ परिवर्तन होगा। नंबर 7 कार्ड है यहाँ पर, नंबर 7, चलिए देखते हैं। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 7 एनर्जी है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी। मैं यहाँ पर टैरो से भी देखूँगी। मैजिशियन एंड द मिरर 53, नंबर 8 एनर्जी बहुत आ रही है, मैजिशियन एंड द मिरर। मिरर सोल के साथ मुलाकात हो सकती है, मैजिशियन एक बैलेंस की भी एनर्जी। ये एक्चुअल में मुझे टेम्परेंस कार्ड दिखती है, जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ मैं बोलती हूँ कि जैसे एक अग्नि एंड फायर में बैलेंस करी है। एंड एक लाइफ जैसे दो नाव में पैर रखकर चलना होती है ना, मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है माय डियर। बट आप अच्छी तरह से बैलेंस कर रही हो, घर हो, परिवार हो और प्रोफेशनल फील्ड हो, मतलब पूरी तरह से आप बैलेंस कर पा रहे हो माय डियर। बट आपका एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट एंड मिरर का एनर्जी है, जो फेंकेंगे वही यहाँ पर बैक होकर आपके पास लौटेंगे, कुदरत ही है माय डियर। वॉकिंग अवे एंड द रिलीज, नंबर 2 टाइम 27 आपका फर्स्ट कार्ड एंड डेस्टिनी का फर्स्ट कार्ड 27 आया हुआ है, सेकेंड कार्ड है। वॉकिंग अवे, कुछ ना कुछ आप कोई रिलेशनशिप हो, कोई ऐसी जगह छोड़ना हो, एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब हो, यहाँ पर परिवर्तन आपके जीवन काल में बहुत देखेंगे, बिकॉज चेंज इन द विंड है। एक टाइम में आप कुछ ना कुछ एक बड़ी चीज़ को रिलीज़ करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होगा माय डियर। किसी के मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ माय डियर, ये आप छोड़ेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, दिस इज़ मिस्ट्री, थैंक यू एंड क्लीन। इवन बर्थ प्लेस भी हो सकता है, बर्थ प्लेस कुछ छोड़ने की एनर्जी आ रही माय डियर, जो आपके दिल के बहुत करीब है। बर्थ प्लेस हो, ऐसे जगह पर आप जॉब कर रहे थे बट यू नो आपका दिल नहीं लग रहा था, दिल किसी और जगह पर लग रहा था और काम पे लग रहा था, कुछ ना कुछ आप छोड़ेंगे। किसी की मृत्यु लग नहीं रहा मुझे माय डियर, यहाँ पर कुछ आप डिसीशन लेंगे, आप छोड़ने के डिसीशन लेंगे। एंड मिस्ट्री एंड क्लींज द बैक टू बैक, दिस इज अ स्कॉर्पियन एंड क्लींज। जैसे कुछ पल के लिए जैसे आपको लगेगा आप अपवित्र हो चुके हों, कुछ पल के लिए आपको लगेगा कुछ पर्सन की वजह से मेरी ऑरा भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द क्लींज प्रोसेस। एक बार ईश्वर आपको डुबाएंगे ज़रूर, बट वो डूबना क्लीनिंग प्रोसेस है माय डियर, क्लींजिंग प्रोसेस है। जीवन की आपकी एनर्जी एक सीकर की जैसे है, खोजना होते ना वो कुआ खोदना होता ना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर सीकर, यू आर लाइक ए रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। मैं नहीं कह रहा हूँ आप साइंटिस्ट है, रॉकेट साइंटिस्ट है, नो, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी सीकर जो होते ना, जैसे आगे आगे चले लोग फुटप्रिंट फॉलो कर कर जाए, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। थैंक यू, चले देखते हैं रिलेशनशिप। लव, यू आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, लव आपके लिए एक ट्रू लव है माई डियर, आपके सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती है, बट लव आपके डेस्टिनी में है माई डियर। मैजिशियन एंड द मिरर, आप अपने मैनिफेस्टेशन स्पेल हो, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर, एक मैजिशियन जो करते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर आप मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, तकदीर में है, आप उसको मैनिफेस्ट भी करेंगे 5D से 3D रियलिटी में। मून ट्री, यस, योर साइकिक पावर इज योर म्यूज, योर साइकिक पावर इज योर लाइक योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट माय डियर, योर इंट्यूशन। ग्रुप नंबर 1 आप हो सकते हैं 2 के साथ, कम्प्लीटली मुझे रेनबो मून स्टोन ही नज़र आ रही है, 2 के साथ काफ़ी अट्रैक्टेड हुए थे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी। थैंक यू, यू आर वेरी साइकिक पर्सन माय डियर। एंड ये जो पायल आ रही है, बिकॉज मैजिशियन एंड द मून ट्री, हो सकता है कि आप आगे जाकर ओकल साइंस, क्रिस्टल, इन सारी चीज़ों पर भी आप काम करेंगे। डेस्टिनी, थैंक यू,
थैंक यू ग्रुप नंबर वन की डेस्टिनी, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू। बट परिवर्तन करेंगे जीवन काल में, एक पद पर आप कुछ टाइम तक जाकर आप चेंज करेंगे अपनी कोर्स, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। थैंक यू मस्पेट गाइड, यस लॉट ऑफ शॉर्ट एनर्जी, थैंक यू। एंड पर्टिकुलरली दिस इज टू अ पेंटेगल्स, आपकी प्रेजेंट मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी, आपकी पास्ट प्रेजेंट दोनों एनर्जी उलझी हुई है माय डियर, एंड यू हैव टू रिलीज दिस कंफ्यूज माइंड। माइंड आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या करेगा, हमेशा एक क्रॉस रोड की एनर्जी, चीज़ें वक्त पर मिलता नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ नोड, चीज़ें वक्त पर आपको मिलता नहीं, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। बट करंट सिचुएशन में भी क्रॉस रोड दिखाई दे रही है, यू आर वेरी कन्फ्यूज एंड बिलीव इन योर इंट्यूशन पावर, यू हैव ए साइकिक पावर, बिलीव इट, यू आर डेस्टाइंड फॉर दिस, यू हैव दिस पोटेंशियल। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको अगेन कह रही हूँ, जो स्थिति अभी आपकी चल रही, बहुत जल्दी मूव करेंगे, जीवन काल में आप काफ़ी ट्रैवल भी करेंगे, लोकेशन काफ़ी चेंज होगा, यू आर डेस्टाइंड फॉर बिग थिंग्स। नंबर एट, शनाए शनाए जीवन चलेंगे, कभी रुक रुक के जीवन चलेंगे, शनिदेव का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी बात चार्ट में। बट एट ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट की बात करते, इस एनर्जी साइकिल से आप निकल जाएंगे ग्रुप नंबर वन, रेस्ट एश्योर। वन मोर कार्ड स्पिरिट गाइड, वन मोर कार्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी, दिस इज द क्लैरिटी माय डियर, आप निकल जाएंगे। एंड जीवन काल में जो फोगी एनर्जी है वो मुझे लग रहा है अभी चल रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, द फोगी वेल एनर्जी, बट आप स्टक नहीं रहेंगे क्योंकि दिस इज डेस्टाइंड फॉर यू, एट ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में आना ही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर टू वेलकम, चलिए देखते हैं लाइफ जर्नी, आपकी डेस्टिनी, आपने रेनबो मून स्टोन चूज की है, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू थैंक यू। दिस इज रेनबो मून, आपने चूज किया, साइकिक पावर एनहांस करते हैं, हील करते हैं, थैंक यू मस उन्स को हील करते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, मैंने ओरेकल शफल की है, टैरोट शफल करूँगी। पहले उससे पहले आपकी एनर्जी चेकिंग, मतलब आप कौन हैं, नॉट योर करंट एनर्जी, आप कौन हैं, पर्सनैलिटी अगर मैच हो रही है तो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मस पेट कार्ड, ग्रुप नंबर टू कौन है, वेरी वेरी इंट्रोवर्ट एनर्जी, गुरु एनर्जी है, स्कॉर्पियन की एनर्जी है, इलेवेंथ हाउस, मतलब बहुत ज़्यादा आप यू नो घुल मिलते नहीं हैं, लोग आपको अनप्रडिक्टेबल समझते हैं, लोग आपके बिहेवियर को लेकर, आपके सोच विचार को लेकर काफ़ी शक करते हैं, या तो फिर अनप्रडिक्टेबल शक करने का मतलब ये लोग समझ नहीं पाते आप कौन हैं, यही वो दिक्कत है। बट एक्चुअल में आपका जो एनर्जी है स्कॉर्पियो एंड जुपिटर, जुपिटर इन एट्थ हाउस, एक्चुअल में इनका एक अलग ही लाइफ पर्पस होता है, ये पर्सन को कोई खास मिशन के साथ भेजा जाता है, हम सब एक मिशन पे हैं, बट जुपिटर इन एट्थ हाउस इसका मतलब है अनमेट डिज़ायर को आपने कैरी फॉरवर्ड की है, अनमेट कुछ डिज़ायर पास्ट लाइफ से आपने कैरी फॉरवर्ड की है, जिसकी तलाश में आप भटकते रहते कि कुछ है जो अभी भी मिला नहीं है, कुछ है मिसिंग पीस अभी भी मिला नहीं, वो अब तक मिला नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली इलेवेंथ हाउस, इस एक्चुअली लाभ का भाव है, प्रॉफिट, दोस्तों का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, बट स्टिल दिस इज़ द स्कॉर्पियन, मुझे यही एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड करी माय डियर, कि ये एनर्जी जहाँ पर मौजूद है किसी एनर्जी को ये हावी होने नहीं देते, एंड इवन सनातन धर्म से हो, बिकॉज एट्थ हाउस में गुरु, ये कहीं ना कहीं आपकी ऑकल साइंस हो, आपकी टैरोट हो, मिस्टिकल रियल्म हो, इन सारी चीज़ों पे स्पेल वगैरह करना, इन सारी चीज़ों में आप नॉलेज गैदर करते रहेंगे, या फिर जन्मजात वो प्राप्त है, थोड़ी सी प्रयास से ही, थोड़ी एफर्ट्स लगाने से आपको लगेगा यस मैं तो जानती हूँ, तो बहुत आसान है, थोड़ी सी जानकारी से आपको लगेगा यस ये पॉसिबल है मेरे लिए, ये पॉसिबल है मेरे लिए। इलेवेंथ हाउस वो आपके लिए शौक, पैशन, मतलब प्रोफेशन नहीं, इट्स लाइक ए पैशन, ऑकल साइंस जानना मेरे लिए प्रोफेशन नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ जानना है, मेरी कुंडली मुझे ही अध्ययन करना है, दैट्स वाई मैं जान रही हूँ, एक पैशन, कोई पैशन को प्रोफेशन बना सकता है। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ, बोलने को बहुत कुछ है, मतलब आपकी एनर्जी बहुत हेवी है माय डियर, अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो और टाइम नहीं मिलेगी माय डियर। चलिए देखते हैं लाइफ जर्नी, ग्रुप नंबर टू स्काई डांसर सरेंडर 48, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू। रिपेयरिंग मी टॉक्स, रिपेयरिंग द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट नंबर 39, अद्भुत है, अद्भुत। नंबर 12, नंबर 12 डिफरेंट नंबर हैं, बट अगर ऐड किया जाए नंबर 12 48 नंबर 39 12 12 नंबर 3 आ रही है, जो गुरु का नंबर है,
जो गुरु से रूल्ड है एनर्जी। जीवन काल में ना एक बात याद रखिए, आपकी जर्नी में कुछ टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ के एक हिस्से को ख़राब करेंगे। एंड जब आपको ये रियलाइजेशन होगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, बट वो बहुत देर में होगा, मतलब मुझे थोड़ी फाइव, बिकॉज यहाँ पर रिपेयरिंग द बॉडी माइंड स्पिरिट, तो यहाँ पर वो बोध होने में, वो उसका रियलाइजेशन में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम फ्रेज में वो व्यक्ति बहुत कुछ कर चुका होगा। बट एक टाइम फ्रेज में आप ऐसी स्थिति में आएंगे जहाँ पर ना आपकी समय आपके हाथ में होगा, ना आपकी भाग्य आपको लगेगा साथ दे रहा है। तब जो मोमेंट है, दैट इज़ अ सरेंडर मोमेंट, एंड ये आपके टाइम में आएगा ही आएगा। इट्स नॉट अ लाइक टावर मोमेंट, ग्रुप नंबर वन की जैसे एनर्जी नहीं है, इट्स नॉट अ टावर मोमेंट, ये एक्चुअली ऐसे फेज होगा। एंड टावर मोमेंट क्विक होते हैं, लंबे टाइम में एक शॉकिंग कुछ न्यूज़ आते हैं, जीवन को बदल देते हैं, बट लंबे टाइम से कुछ दौर चलेगा। एंड तब जाकर आप रियलाइज़ करेंगे, उस चीज़ को छोड़ेंगे। कोई टॉक्सिक प्यूपिल, यहाँ पर मैं अगेन कह रही, मुझे मेरे मुँह से फर्स्ट निकली है टॉक्सिक प्यूपिल, एंड यहाँ पर कुछ टॉक्सिक प्यूपिल की वजह से लाइफ के कुछ बड़े हिस्सा, जीवन के हिस्सा यहाँ पर आप अपने जैसे नहीं बिता पाएंगे। मैं बचपन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि कोई कह सकता है कि बचपन में हम अपने जैसे बिताते तो नहीं है, पेरेंट्स की बातें सुनना पड़ते हैं, वो बहुत गोल्डन टाइम फ्रेम है, जहाँ पर माता पिता के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स का हाथ हो, वो गोल्डन टाइम फ्रेम है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, आपके पास तो फ्रीडम है। ये वो फेज नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ, दिस इज़ अनदर फेज। हो सकते हैं आपकी फैमिली काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, वो अलग चीज़ है, बट दिस इज़ अनदर पीपल रिपेयरिंग बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट। बट हाँ, टॉक्सिक पीपल कुछ व्यूअर्स के लिए क्लोज पर्सन भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर उसकी भी वाइब्स आ रही है, जहाँ पर आपके पास कोई चारा नहीं है सरेंडर करने के अलावा। थैंक यू। फियर इज अर्थ मैजिक, सुनामी, यस दिस इज़ अ वेक अप कॉल, यस मैं आपको बोल रही थी, दिस इज़ सुनामी। एंड सुनामी एक अद्भुत, एक मतलब हाई वेव है। सुनामी आने से पहले ना छोटे छोटे वेव आते हैं, एंड जो वैज्ञानिक नहीं भी है, जो आसपास बड़े समुंदर के आसपास कुछ लोग रहते हैं ना, वो बहुत लिटरल नहीं है, बहुत शिक्षा उनके पास नहीं है, बट रहते रहते समुंदर के पास रहते रहते वो हैबिचुएटेड हो चुकी हैं, समुंदर की भाषा वो पढ़ सकते हैं, उस लहरों की भाषा वो पढ़ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि कुछ तूफान आने वाले हैं। मैं ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मिल चुकी हूँ उसी बीच में, वो बता सकते हैं, कोई वेदर फोरकास्ट नहीं, मतलब वो लोग बता सकते हैं कि यस आज कुछ होने वाला है। दिस इज़ इंट्यूशन, ये सभी में नहीं होता है माइंड, एंड कुछ लोगों में ये मौजूद है, वेक अप कॉल, एंड कुछ होने से पहले आभास होना, ये कहीं ना कहीं आप में मौजूद है, बिकॉज फियर इज अर्थ मैजिक एनर्जी। आप एक अर्थ एंजल के जैसे, कोई अर्थ एंजल स्प्रिट गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके अर्थ मिशन में आपको प्रोटेक्ट करता है, माय डियर। दिस इज़ रेनबो एंड ब्लेसिंग्स, यस जब आप झाड़ कर फेंक दोगे ना, दिस इज़ द एनर्जी, बॉडी माइंड स्पिरिट जो टॉक्सिसिटी हो, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए नहीं, मतलब उनके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे अचानक से पड़ोसी की एनर्जी आई कि तंग करते हैं, उनकी वजह से भी, क्योंकि पड़ोसी अगर ख़राब हो, जो लोग झेलते हैं उन्हें पता है कि जीवन किस तरह से ये जीना मुश्किल कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे टॉक्सिक पीपल है जो लंबे टाइम से दौड़ से चलेंगे, बट याद रखिए आप मुक्त हो जाएंगे, बिकॉज सुनामी वेक अप कॉल, जो पूरी तरह से इस एनर्जी को रिलीज कर चले जाएंगे। दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स माय डियर, दिस इज़ योर पाथ, तो कहीं ना कहीं सुनामी तो होगा माय डियर, दिस इज़ योर जर्नी पाथ। एक टावर मोमेंट नहीं है, क्योंकि टावर मोमेंट में अगेन कह रही शॉर्ट टाइम पे आते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली लंबी दौड़ है, फेज बड़ा है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ए लेग अप, किस तरह से अगर आप देखेंगे, एक्चुअली यू नो बेबी पोलर बियर है, जो मम्मा पोलर बियर के सहारे चढ़ रहा है। क्या मतलब है एडवांटेज लेना, कुछ लोगों की एडवांटेज लेना, मतलब आपकी एडवांटेज लेंगे, लोगों के नहीं, लोग आपकी एडवांटेज लेंगे, आपके सहारे आपको लैडर बनाएंगे, लैडर बना के चढ़ा एंड लैडर को फेंक दिया। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही माय डियर, एंड एक कार्ड भी कन्फर्मेशन दे रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, दिस इज़ यंग एनर्जी, बट आपकी लाइफ में इस जर्नी पाथ में मैस्कुलन एनर्जी होगा। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपने परिवार की बोझ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेंगे, मुझे यहाँ पर वो भी वाइब सारी है कि अपने कंधों पर पूरी बोझ लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एक फीमेल भी एक पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर एक फीमेल भी इस रीडिंग को देख रही है, मैं अगेन कह रही हूँ, आप फीमेल होने के बावजूद भी पुरुषार्थ आप में बहुत हैं, यू नो डिवाइन मैस्कुलन एनर्जी आप में बहुत है। ये एक्चुअली मैस्कुलर एनर्जी को कॉल करना है, मैस्कुलर एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगे, वो अलग चीज़ है, वो है आपकी लाइफ में, बट दिस इज़ ए लेग अप एंड यंग एनर्जी। आप
छोटे भाई बहन हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हैं। जन जर्नी पाथ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधे कंधों में काफ़ी बोझ नज़र आ रही है। अगर मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप फीमेल भी हैं फिर भी पुरुष के भांति ही जैसे सब कुछ करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का हो बाहर का हो सब कुछ संभालना पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन नंबर 15, सेल्फ रियलाइजेशन ये बोध होगा माय डियर, एंड यही वो है जो आपकी आपको लाइफ पर्पस के ट्रैक में लेकर आएंगे। एंड सेल्फ रियलाइजेशन कब होता है मालूम है? जब आप ठोकर खाते हैं, एकदम से पीठ दीवार पर आ जाते, तब जाकर बोध होते कि आप करना क्या है, अब तो निकलना है इस चीज़ से निकलना है। कैसे निकले? तब आइडियाज़ आना शुरू होती हैं, तब आप भागते हुए मंदिर जाते, चार जाते, मस्जिद जाते हैं और सर फोड़ते हैं, तब जाकर आप गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर के सामने, तब जाकर आपको कुछ रास्ते मिलते हैं। ये जर्नी पाथ मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू रेसिलियंस। बट इतनी तकलीफ है, बट कहीं ना कहीं इस विपरीत परिस्थिति में जीने के लिए या फिर खड़े होने के लिए वो स्ट्रेंथ आपको जैसे प्रोवाइड किया जाएगा बीच बीच में, बिकॉज दिस द यंग इज़ अ मैस्कुलन एनर्जी, दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलन एनर्जी। यहाँ पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी आर्थ मिशन में हो सके मदद करेंगे, कुछ यहाँ पर वो वाइब्स है बिकॉज लेगा मदद करिए आर्थ मिशन में। बट कुछ व्यूअर्स के लिए अकेले ही 100 के बराबर काम करेंगे अगर आप फीमेल भी हैं। पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे मतलब निभा कर सक्सेसफुली आप आर्थ मिशन को कम्प्लीट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले एनर्जी नहीं है। रेसिलियंस का मतलब आप अगर दो बार गिरते हैं 3 times अब उठते, आपके बात चार में विपरीत राज्यों हो सकते। मैं देखूंगी यहाँ पर रेसिलियंस। थैंक यू मस्पेट गाइड, आपकी जर्नी पर थैंक यू। दिस इज सैटर्न एनर्जी, स्वाभाविक है। एंड दिस इज सजिटेरियस एनर्जी, सैटर्न सजिटेरियस एनर्जी एंड दिस इज टॉरस एनर्जी माय डियर। पर्टिकुलरली सैटर्न जब टॉरस में होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में भी बहुत ज़्यादा सुख भोगा नहीं है, पिछले जन्म में भी मतलब दाम्पत्य हो या फिर संतान सुख हो बहुत भोगा नहीं है, तो इस जन्म में उस चीज़ को पाने के लिए ललायत होते हैं, इस जन्म में उस चीज़ को पाने के लिए बेचैन होते हैं। एंड पर्टिकुलरली सैटर्न एंड सजिटेरियस एनर्जी, सैटर्न आचार्य है एंड गुरु तो है ही गुरु, वो तो डिवाइन गुरु है माय डियर। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पाथ है, यहाँ पर स्पिरिचुअल आपके अवेकनिंग होगा, यहाँ पर शनिदेव और गुरु दोनों की ही एक अहम भूमिका होगा। वैसे टॉरस है, वेनस भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। सैटर्न एंड टॉरस एनर्ज जिद्दी स्वभाव होते, दिस इज़ द रेसिलियंस मैं देखना चाहती थी कि मैदान को छोड़ेंगे नहीं, अंत तक देखेंगे। इतना स्ट्रगल हो रही है, मैं जीवन के अंत तक देखूंगी। दिस इज़ योर लाइफ पाथ और मंत्र माय डियर फॉर यू। थैंक यू मस्पेट गाइड। बट हाँ, यहाँ पर सैटर्न एंड टॉरस एनर्जी पूर्व जैसे उत्तराधिकार सूत्र में कुछ संपत्ति इनहेरिटेंस कुछ प्राप्त होने की योग भी आपकी बात चरण में दिखाई दे रही है। चले देखते हैं डेस्टिनी। डोर टू रोमांस नंबर 33, नंबर 33 ओके, मास्टर नंबर, नंबर 12, नंबर 33, नंबर 39, नंबर 39, नंबर 39 इस एज में कुछ इंपॉर्टेंट घटना आपकी लाइफ में हो सकती है। नंबर 12 या फिर 12 वर्ष बाद आपके जीवन काल में कोई इंपॉर्टेंट घटना, 1 decade नहीं 12 वर्ष बाद आपके जीवन काल में एक टर्निंग पॉइंट होती है, या फिर मान लीजिए एक बड़ी घटना होती है जो आपके जीवन को मूड को बदलते हैं या फिर जीवन को एक फर्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर में लेकर जाते हैं। डोर टू रोमांस एंड पॉजिटिवली मुझे यहाँ पर यंग एनर्जी भी नज़र आ रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट है एंड दिस इज़ एक्चुअली क्रिएशन माय डियर। आर्कएंजल गैब्रियल जो संतान सुख की बात कर रही थी, क्रिएटिविटी वो वाइब्रेंट होगा माय डियर। देर से ही सही बिकॉज सैटर्न एनर्जी है, देर से ही सही बस बट सवेरा है, रोशनी है माय डियर। आपका क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपका वर्क, पर्टिकुलरली आपका 5th house, वो लिरिक्स लिखना हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग, डांस, क्राफ्ट, कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों के साथ आपकी मिशन जुड़ी है माय डियर। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। हैप्पीनेस, हैप्पी फील कीजिए माय डियर। मैं टैरो से भी देखूंगी हैप्पीनेस, दिस इज ब्लेसिंग्स माय डियर। थैंक यू। एंड मूवमेंट, यस मैं ही आपको बोल रही थी कि जीवन काल में मुझे ना 8 of wands दिखती है कार्ड। जीवन काल में आप ट्रैवल करेंगे एंड पर्टिकुलरली हैप्पीनेस के साथ मूवमेंट है, तो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में खुशी की तलाश में जाना, ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है, काफ़ी लोकेशन चेंज करेंगे, घूमेंगे बहुत ज़्यादा, वो जॉब की वजह से हो या फिर अपनी इच्छा से। मुझे भ्रमण नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, भ्रमण किसी भी वजह से हो सकती है, करियर वर्क फील्ड की वजह से या फिर आप खुद ही पैसा खर्चा करके घूमें माय डियर। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप अबंडेंस। ऐसे रिलेशनशिप आपके पास होगा माय डियर, यू फील अबंडेंट, दिस इज़ रिलेशनशिप, इट्स नॉट अबाउट मनी।
यू मतलब पर्टिकुलरली अगर आप वृक्ष को पकड़ते हैं ना, बहुत पुराने कोई वृक्ष को अगर आप पकड़ते हैं ऐसे हग करते हैं ना, यू फील वाइब्रेशन। अगर आप सच में इंट्यूटिव पर्सन हैं, यू फील द वाइब्रेशन। आप कर कर देखिए, कुछ विश बोलिए उस वृक्ष को एंड देखिए, वृक्ष के साथ, नेचर के साथ, कुदरत के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये वो पायल हैं, जितना आप कुदरत के साथ जोड़ेंगे, गार्डनिंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे, आपकी विश ज़्यादा फुलफ़िल होगा। देर मतलब शनिदेव का जहाँ पर एनर्जी है तो ये देरी के कारक हैं। चाहे बात चाट में शनिदेव बहुत पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लग्न के अगर लग्न के आसपास लग्न पर आस्पेक्ट डाल रही है तो इतना तो तय जानिए, शनिदेव अगर सर्वल में बली है तो वक्त पर काम होने नहीं देंगे। एंड द गॉडेस, वाओ, एंड द फियरीज एंड द गॉडेस एनर्जी, माय डियर, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी है एंड इट्स अ वेरी मेड इन हेवन कनेक्शन। आप एक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन में आप कन्वर्ट होंगे माय डियर, एंड ये तब होते हैं जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। थैंक यू। यू आर ट्रूली वेरी चैरिटेबल पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। डेस्टिनी, ग्रुप नंबर टू की डेस्टिनी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर टू की डेस्टिनी। थैंक यू। वाह, मून एनर्जी ही आया हुआ है। आपकी पास्ट एनर्जी, पेज ऑफ कप्स एनर्जी आ रही, मैच्योर थे आप, जैसे धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही। किसी पर्सन को लेकर आप बहुत सोचते थे या तो फिर किसी चीज़ को आपको देखने की नज़रिया जैसे थे ना, धीरे धीरे वो बदलाव जैसे बदल रही है माय डियर। आपकी स्पिरिचुअल नॉर्थ नोड से स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट से धीरे धीरे आप बाहर जा रहे हो, रिकवर की एनर्जी है ये, वो हेल्थ हो या फिर जीवन को लेकर धीरे धीरे आप रिकवर कर रही हो, आगे जा रही हो। दिस इज योर फ्यूचर, योर डेस्टिनी माय डियर। टेम्परेंस, विपरीत परिस्थिति में आप अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। दिस एंजेलिक एनर्जी माय डियर, यू आर लिटरली अर्थ एंजल की एनर्जी आ रही है, बट यू हैव टू लेट गो दिस मून एनर्जी माय डियर, बिकॉज यू हैव एक्चुअल में मून जब इंट्यूशन पॉजिटिवली होते दिस इज इंट्यूशन, बट जब नेगेटिव होते इस वेरी एंग्जाइटी इशू लेकर आते हैं, डिप्रेशन लेकर आते हैं, सुसाइडल प्रोन बनाते हैं, जीवन को ही ख़त्म कर दें। मैं थ्री ऑफ कप्स की एक क्लैरिटी देखूंगी माय डियर। थैंक यू। रिलीज दिस एनर्जी माय डियर। डिप्रेशन नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में। थ्री ऑफ कप्स। प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं। थैंक यू। थ्री की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। कोई करियर पर आपकी ध्यान है, यस, कुछ करियर पर ध्यान है कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर, पर्टिकुलरली एक के बाद एक जॉब आप दे रही हो। कुछ व्यूअर्स को ऑलरेडी ग्रोथ मिलना शुरू हो चुके हैं, बट कुछ व्यूअर्स अभी भी डिफीट, जैसे अभी भी फेलियर ही देख रहे हैं माय डियर लंबी टाइम से। थ्री एनर्जी, कोई आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यू नो अननेसेसरी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी रिलेशनशिप में हो, आपकी अपने जीवन में हो, जो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप उसको कट डाउन नहीं कर पा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए करंट स्थिति मुझे नज़र आ रही है, बट योर पास्ट थोड़ी जैसे इमेच्योर थे माय डियर। पेज ऑफ कप्स एनर्जी, थोड़ी इमेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है, बट धीरे धीरे एनर्जी में बदलाव आ रही है। दिस इज द टेम्परेंस एनर्जी, मैं अगेन कह रही हूँ, जीवन बदलेगा एंड धैर्य रखिए, आपका काम वक्त पर होगा नहीं। मैं देखूँगी डेस्टिनी। थैंक यू मस्ट पेट का, थैंक यू। दिस इज़ अ वेनस एनर्जी माय डियर, वेनस इन वर्गो एनर्जी, एक्चुअल में वेनस इन वर्गो, दिस इज सिक्स हाउस एंड दिस इज एवरीज एनर्जी। ओके माय डियर, वेनस वर्गो में डेबिलिटेटेड हो जाती है, नीच हो जाती है। यू आर वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी पर्सन माय डियर, एंड वेनस इन एवरीज एनर्जी आपकी दाम्पत्य हो, बहुत पैशनेट होगा माय डियर, बट शादी बहुत डीले ही नज़र आ रही है। वेनस इन वर्गो एनर्जी, अगर शादी आपकी नहीं हुई डीले होगा, एंड शादी के बाद भी कुछ अननेसेसरी एनर्जी, बिकॉज जो जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है पर्टिकुलरली, अननेसेसरी एनर्जी की वजह से यहाँ पर कुछ जैसे आपको, आप दोनों की रिलेशनशिप में आप थोड़ी दिक्कत वो फील करेंगे माय डियर, बट वेनस इन एवरीज एनर्जी आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। इट कुड बी एनी वन माय डियर, मतलब ए पर्सन, मतलब जो सिक्स की एनर्जी आ रही है, कोई एक पर्सन के हेल्थ इशू हो सकती है। आपका हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नजर आ रही है, बिकॉज वेनस वर्गो में डेबिलिटेटेड हो जाती है। गायनोकोलॉजिकल इशू हो, यूटरस से जुड़ी, यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी कुछ दिक्कत मुझे नजर आ रही है। कुछ व्यूअर्स की सर्जरी वगैरह हुआ है, छोटी मोटी सर्जरी की भी यहाँ पर वाइब्स आ रही माय डियर, बट यस, वेनस इन एवरीज एनर्जी पैशनेट होगा, ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होंगे, एंड वो आपको प्राप्त भी होगा माय डियर, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक दिस इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको प्राप्त भी होगा। फैमिली सुख भी मुझे नजर आ रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर थ्री,
वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जर्नी एंड डेस्टिनी। फर्स्ट हाफ में हम जर्नी देखेंगे, सेकंड हाफ में हम डेस्टिनी देखेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग, तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले हम देखेंगे आपकी आपकी एनर्जी अगर मैच छोड़ी है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी जोड़ियक साइन को लेकर बात नहीं करूँगी। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट हम चेक करेंगे डायस से, अपने एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। हु आर यू? अगर मैं छोड़ी है तो पायल को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। पाइसीज, सन इन पाइसीज। ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पर अगेन कह रही हूँ, मैं साइन को लेकर बात नहीं कर रही हूँ। आप बहुत ईजीली मिस्टिकल रियल्म के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। आप स्प्रिट गाइड के साथ, ये वो पायल है जो तपस्या करे तो ईश्वर दर्शन भी हो, सन एंड पाइसीज एनर्जी। बट आपकी आंखों से जुड़ी मुझे थोड़ी दिक्कत, आप हो सकते बहुत व्यूअर्स यहाँ पर स्पेक्ट वगैरह पहनते हैं, मतलब ग्लास वगैरह है, पावर है, लेंस यूज़ करते हैं। एंड पर्टिकुलरली आप ना, आपकी आपको कोई कंट्रोल करें, सन इन एक्वेरियस एनर्जी, एक्चुअल में आपको कोई कंट्रोल करे ये आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कमांड है, रूल करते, ऐसे जगह पर आप काम भी नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। एंड आप ना पर्टिकुलरली सन अगर 12th हाउस में होते, ऐसे लोग की बैड प्लेजर होते हैं। इट मीन्स ये अगर बहुत क्रिटिकल मोमेंट में भी है, बहुत तकलीफ में भी है, ये खुशियों को ढूंढ सकता है। माय डियर, दिस इज़ एक्चुअली बैड प्लेजर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है एस्ट्रोलॉजी की पुस्तक में। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी ने उधार लेकर रखा है एंड यू नो वो मांगने घर में लोग आई है, बट वो पर्सन अगर घर में मौजूद भी है तो वो दूसरी दरवाजे से भाग जाते हैं। इट्स लाइक ए यू नो बैड प्लेजर, तो इसीलिए इसको बैड प्लेजर कहा गया है। बट सन 12th हाउस में आत्मा कड़ा का जब मोक्ष के घर में होते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं एंड शत्रु इनको सामने से दिखते हैं। माय डियर, कि जो शत्रु आपके होंगे वो हिडन नहीं, आपको दिखाई देगा। यस, दिस माय एनिमी, यही है जो एक्चुअल में बहुत टाइम से पीठ पीछे वार कर रहा था। आपको आभास होगा कि वो सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता है या सामने वाला मेरा शत्रु है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट यस, कहीं ना कहीं आप पिता से भी आगे देखते हो, मतलब आपके पिता जो जो किया है आप उनकी सोच से भी आगे कुछ करना चाहते हैं। मतलब कुछ होता है ना कि पिता का बिजनेस है, मैं भी वही बस ज्वाइन कर दिया। नो, ये कुछ हटके करेगा, ये पायल कुछ हटके करेगा जो शायद एंसेस्ट्रल पैटर्न से भी बाहर। माय डियर, चलिए देखते हैं। बट यू आर पाइसेस, बट एनर्जी इज वेरी इंट्यूटिव, वेरी शाइकी। माय डियर, जर्नी देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, द फर्दर गेट, बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नंबर 55, बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। ऐसा स्टेप उठाए जो बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट ही ना रहे। ऐसा जीवन काल में आप ऐसा कुछ काम करेंगे, शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो इवन कुछ व्यूअर्स के लिए तो वो फैमिली मेम्बर्स भी नहीं। फर्दर गेट, एंड आप तब जाकर स्टेप उठा रही है जहाँ पर आपकी पीठ दीवार पर लग चुकी है, तब आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, तब आप कुछ आइडियाज़ निकाल कर कुछ कर रही हो, बट उस जगह पर भी लोगों की सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप करेंगे। दिस इज़ डेस्टिनी लाइफ जोन, फिर भी आप करेंगे। 5-5 मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी रास्ते में चल पड़ा है एंड उस व्यक्ति को अगर उसका इंटेंशन फोकस्ड डिटरमाइंड पर्सन, बहुत ज़्यादा लोगों की अगर टेम्पटेशन भी आ रहे हैं ना, वो रुकेगा नहीं, कुछ पल के लिए देखेगा पीछे मुड़कर, बट फिर से वो चलने लगेंगे। दिस इज़ योर एनर्जी माय डियर। एक्चुअल में ग्रुप नंबर 3, यू आर डेस्टाइंड फॉर बिग थिंग, बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। जैसे कोई मदद करता है, 555, एक 5 चेंज का नंबर है, अगेन चेंज, 55 इट्स अ ह्यूज एंजल नंबर। 55 का मतलब है इसे चेंज, एंड आप जीवन काल में तब चेंज कर रहे हो जब आपकी लाइफ में बड़ी चेंज आ रही है एंड आपको दिशा दिखाई नहीं दे रही है, एक फाइनल डिसीजन आप ले रही हो। दिस इज स्काई ब्रिज, पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन। मैं इसीलिए बोली थी, अगर तपस्या करेंगे तो ईश्वर दर्शन भी प्राप्त होगा। एंड अगर आप देखेंगे ब्रिज, जैसे यू नो वो ब्रिज सन तक पहुंच रही है, इट कुड बी सन ये, या फिर हेवन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ये एक्चुअल में यूनियन है डिवाइन के साथ। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये सोल यूनियन भी है, स्काई ब्रिज। यहाँ पर कुदरत भी सजेंगे ताकि आपकी एंड आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की वो मिलन हो, कुदरत भी साथ देंगे। माय डियर, पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन, बट कुछ व्यूअर्स के लिए ये यूनियन अपनी आराध्य के साथ है,
उन्होंने आपको चुना है इस बात के लिए, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड जब आराध्य चुनते हैं ना, तो ये बोल्ड स्टेप आप लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, कहीं ना कहीं हिम्मत ऊर्जा आपके भीतर से ही आएंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, क्रिस्टल फोकस, क्रिस्टल के साथ काम करना, या फिर क्रिस्टल के साथ कोई रेकी मास्टर हो, कुछ व्यूअर्स के लिए वो हो सकते हैं। क्रिस्टल आपको पसंद आएगा, मतलब कोई मतलब प्रोफेशन के लिए नहीं, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल सब अट्रैक्टेड होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत सारे क्रिस्टल होना चाहिए, चाहे आपका इस प्रोफेशन के साथ कोई नाता हो ना हो, आपको भरोसा है कि क्रिस्टल काम करते हैं। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, जो डिटरमाइंड है, जैसे क्रिस्टल इज अ फोकस इज अ क्लैरिटी, जिस जो डिटरमाइंड है उसका लक्ष्य भेद होगा, यानी पाए लक्ष्य भेद करेगा। थैंक यू। एंड दिस इज नंबर 47, नंबर 11 एंड 55, टू एंजल नंबर हियर, वे लंबी रेस के लिए आप बने हैं। दिस इज छलांग मारना, एक बड़ी छलांग मारना, ब्रीच एनर्जी। एंड ये एनर्जी, ये व्हेल जो होते हैं ना, बहुत कमिटेड होते हैं माई डियर, लिटिल बिट हार्श बोलते हैं, बट हार्श एनर्जी होते हैं, बट कमिटेड होते हैं। मतलब आप वो पर्सन हैं इस जर्नी पाथ में, आप किसी को मतलब कमिटमेंट दिया, प्रॉमिस किया, वो चाहे बच्चे को ही क्यों ना हो, एक छोटे बच्चे को एक लॉलीपॉप देना ही क्यों ना हो, आप उसको फुलफिल करते हैं, वेरी प्रॉमिस कीपर एनर्जी। थैंक यू मस्पेट गाइड। बट इतना याद रखिए, लंबी रेस का घोड़ा, घोड़ा नहीं, व्हेल। समर सॉल्स्टिस रेडियंस, सूरज के जैसे, मुझे यहाँ पर एक सन एनर्जी दिखाई दे रही थी, यस दिस इज सन एनर्जी। एंड यहाँ पर भी जैसे केप में ना सन आ रही है, अचानक से कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। एंड मैंने एक क्लाइंट की मुंह से सुनी थी कि वो ईश्वर को बिलीव नहीं करते थे, मैं पर्सनल रीडिंग में एक क्लाइंट मुझसे रीडिंग ली थी, तब उन्होंने कहा मैं ईश्वर पर बिलीव नहीं करती थी, एक सपना आया था एक रात्रि को, वो जीवन बदल दी। मैं यहाँ पर उसको डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट यस एक ड्रीम, एक ही दिन आई थी और उनका जीवन ही बदल गई, तो ये कोई झूठ नहीं है माय डियर, ये ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से केप में, जैसे बरसों में इस केप में जैसे कोई रोशनी नहीं पड़ी एंड अचानक से कोई रोशनी आ रही है, तो कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़, वो चीज़ें दूसरे पर्सन के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है, ऑर्डिनरी हो सकती हैं, बट आपके जीवन की मूड ही बदल देते हैं। समर सॉल्स्टिस एक्चुअल में कुछ व्यूअर्स के लिए लाइट वर्कर की एनर्जी आ रही है, खुद जले और सामने वाले को रोशनी दे, खुद जले सामने वाले को रोशनी दे। सूरज हर पल रोशनी देते हैं सूर्य, बट कितना जलना पड़ता है, एक दिया जो रोशनी देते हैं वो उसके नीचे हमेशा ही अंधकार होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू लाइफ जर्नी। फोर्क इन द रोड, पथ 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 पर एक ऑब्स्टकल, एक कन्फ्यूशन, जाए कहाँ। नंबर 13 एक हीलर के साथ होता है माय डियर, एंड पर्टिकुलर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में ना, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मतलब कुछ जो टीनेजर है वो इतना समझते नहीं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रगलफुल होती है माय डियर, ये जितना एक छोटी सी वर्ड में बोल दिया स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस उतना अच्छा, मतलब उस टाइप का नहीं है जैसा आपको सुनने में मज़ा लग रही है। द फेट्स एनर्जी, यू आर डेस्टाइंड फॉर बिग थिंग माय डियर, बट हाँ यू आर डेस्टाइंड फॉर स्ट्रगल टू, संघर्ष ही दिखाई दे रही है फॉर्क इन द रोड, कि यू आर डेस्टाइन फॉर बिग थिंग्स, बट पथ पथ पर थोड़ी ठोकर खाना, पैर जैसे फिसलेंगे माय डियर। इवन रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे बहुत ईजिली पार्टनर मिलेगा नहीं अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं, मैरिज हो चुके, फिर भी कुछ ना कुछ दुविधा, कुछ ना कुछ दुविधा चल रही है। दिस इज सच अ टाइप ऑफ पाल माय डियर। अगर आप इस रीडिंग को इसलिए देखने आई हो कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत कुछ बातें बताया जाएगा, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ रीडर माय डियर। यहाँ पर पथ पथ पर आपका स्ट्रगल है, इवन अगर मैरिज के बाद भी आपको लग रही कुछ स्ट्रगल अब तब भी मौजूद हैं। यू आर डेस्टाइन फॉर बिग थिंग्स एंड एज वेल एज फॉर कन्फ्यूशन, ऑब्स्ट्रगल, संघर्ष। एंड एक सोना को ताप देने से ही वो जलता है माय डियर, वो निखरता है। एंड आपकी एनर्जी में वो गोल्ड की एनर्जी आ रही है, लोहा को पीटना पड़ता है, बस सोना को, गोल्ड को ना हुक मारने से आकर मिलता है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। कैवस एंड कन्फ्लिक्ट 3-3, क्या बात है आपकी, मतलब इतनी सारी एंजुअल नंबर 55, 11, यहाँ पर 3-3, कैवस एंड कन्फ्लिक्ट। मैं आपको बोल रही थी ना, फोर्क इन द रोड एंड कैवस एंड कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे जैसे युद्ध का रणभूमि जैसे जीवन मुझे दिखाई दे रही माय डियर, आपकी लाइफ जर्नी। बट हाँ एक पर्टिकुलरली फर्स्ट फेज में ही ज़्यादा नज़र आ रही माय डियर, फर्स्ट फेज में। एंड यू आर डेस्टाइन, आपकी
नेक्स्ट जनरेशन भी आपके कुछ कर्मा को याद रखेगा, बिकॉज द समर सॉल्स रेडियंस हियर, आपकी कर्मा का यहाँ पर ना मुझे स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो दिस इज़ एक्चुअली फेट्स भाग्य की एनर्जी, बट मुझे स्टार नज़र आ रही कि आप लोग आपको याद रखें। माई डियर, आपकी कर्मा की वजह से लोग आपको याद रखें, आप कुछ ऐसा छोड़ जाए जिसकी वजह से आपका कोई क्रिएशन हो, आपके कुछ काम हो जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें, वो लिगेसी इस पाइल में है। थैंक यू मिस पेट का, थैंक यू जर्नी पाथ, यस आफ्टर लाइफ। मैं आपको पहले बोल रही थी यस आफ्टर लाइफ, मैं कार्ड को देखी भी नहीं थी माई डियर, मैं शफल करके करने के बाद रीडिंग शुरू कर चुकी हूँ। दिस इज़ आफ्टर लाइफ एनर्जी, मतलब जीवन समाप्त हो जाए, अर्थ मिशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी लोग आपको याद रखें माई डियर। एंड ये एक्चुअल मैंने इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ, मुझे जैसे कोई मोक्ष, जैसे स्वयं भगवान आ रही है लेने के लिए, एंड पूरी तरह से सोल आबाद है, मुक्त है, एंड सरेंडर कर चुके हैं, बस हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, जो मिशन के साथ आपने मुझे भेजा है बड़े सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट की है, बड़े गर्व के साथ आप बोल रही हो जैसे ईश्वर के सामने। थैंक यू मस्फेट का, थैंक यू। आई फील वेरी हैवी माई डियर, अचानक से आई फील वेरी हैवी। इनर चाइल्ड नंबर 8 एनर्जी, आपकी इनर चाइल्ड में कुछ ट्रॉमा है, जैसे वो अटेंशन, जो अफेक्शन मिलना चाहिए था, जैसे बिकॉज ऑफ स्नेक एनर्जी आपकी, मतलब हो सकता है आपके माता पिता बहुत बिजी थे या फिर और भी सारे घर में मेंबर थे। इनर चाइल्ड को जैसे हील करना ज़रूरी है, कुछ ट्रॉमा है आपका, कुछ ऊन से इनर चाइल्ड, एंड स्नेक एनर्जी को देखते हुए मुझे वाइब सारे स्नेक आपके लिए ना, आपको स्नेक के सपने आना हो, स्नेक एक एनिमल स्प्रिट गाइड आपके लिए नज़र आ रही है। वैसे शिवलिंग में वाशु के नाक होते हैं, है ना, तो यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स की वो मुझे अचानक से जैसे कोई महादेव की भी भक्ति यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब पर्टिकुलरली शिवलिंग के अभिषेक करते हैं आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं माइट हेयर, एनिमल स्प्रिट गाइड मुझे स्नेक नज़र आ रही है। स्नेक क्या कहता है, हीलिंग, सेटिंग द ओल्ड स्किन, तो कुछ पुराने चीज़ों को हील करना ज़रूरी है, छोड़ने की भी ज़रूरत है हील करने के बाद। अब यूं ही नहीं छोड़ सकते, हील करें तब छोड़ें, बिकॉज स्नेक अपनी पुरानी स्किन को रखता नहीं है, छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका जीवन है, जड़ नहीं है, पुरानी स्किन को छोड़ते छोड़ते ओल्ड स्किन को, मतलब रियलाइजेशन होते होते आगे बढ़ना। थैंक यू मस्ट बी, मतलब यू आर वेरी मैच्योर एनर्जी, पद पद पर आपको कोई लेसन मिलता है माई डियर, हर चैप्टर में एक बड़ी हैवी लेसन आपको मिलती है माई डियर। थैंक यू मस्ट बी का, चलिए देखते हैं, मैं टैरोट शफल करूँगी आपकी डेस्टिनी। द थिंकिंग वुमन 47, टू टाइम्स आई हैव वाई 47 47, हायर स्टडीज़ रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, पुरातन सनातन धर्म को जानना हो, बुक्स लिखना हो, किताब लिखना हो, बुक्स पढ़ना हो, मुझे बहुत ओल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, यू नो मतलब बैकग्राउंड जो है ना बहुत ओल्ड है, म्यूज़ियम की जैसे एनर्जी, जैसे कोई लाइब्रेरी जाते हैं, पुराने किताब पढ़ते हैं, पुराने ओल्ड स्टोरीज़, या फिर यू नो पुरान अपनी धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना, उसको जानना, नक्षत्र को जानना, ऑकल साइंस को जानना। थैंक यू मस्पेट का, मुझे नॉलेज दिखाई दे रही है, एंसेंट विजडम में नॉलेज दिखाई दे रही है आपके लिए। ऑल टाइड ऑफ सिचुएशन नंबर 23, थैंक यू मस्पेट काइट एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके थैंक यू स्प्रेट काइट। एक्चुअल में फाइनेंस की अगर बात करें ग्रुप नंबर 3, ये फाइनेंस भी मतलब ऐसा नहीं है बहुत यू नो गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए, फाइनेंस भी जितना ज़रूरत है आपको हमेशा लगेगा प्राप्त पर्याप्त नहीं है, और थोड़ी मिलने की ज़रूरत है। एंड ये जो फाइनेंशियली स्टेबल आप हो रहे हो ना माई डियर, ये पाथ भी बड़ी मुश्किल से आप इस जगह पर पहुंच रही हो, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है आपके, आपको मदद करे मैरिज के बाद आप फ्लरिश करें, कुछ व्यूअर्स के बाद मैरिज के बाद आपके जैसे फाइनेंस पॉजिटिव हो जाएं, बट बीच भी मिडिल फेज में जैसे ऑल टाइड अप सिचुएशन आप फेस करेंगे माई डियर। बट आप पढ़ते हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन, आई डोंट नो, जैसे आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आप नॉलेज गैदर करते हो, खुद से अपने हाथों से काम करना पसंद करते हो, अदर इंस्ट्रक्शन देने से अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू सरेंडर, थैंक यू स्टॉप, यस मुझे यही लग रही थी कि ये मिडिल फेज में एक टाइम में जीवन रुका हुआ नज़र आएगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है, तब जाकर आप सरेंडर कर रहे हो माई डियर। थैंक यू एंड फेथ, जहाँ पर स्टॉप एनर्जी लगी हुई है फेथ की ज़रूरत तो है ही माई डियर, फेथ की जगह तो यहाँ मुझे ना ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की एनर्जी, जैसे कुछ अणु परमाणु से कोई ब्रह्मांड बन रही है माई डियर, छोटी छोटी चीज़ भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, मैं अगेन कह रही हूँ माई डियर, दिस इज़ एक्चुअली कंसर्सनेस, मुझे क्राउन चक्र का एनर्जी है, दिस इज़ अ स्टॉप एनर्जी, बीच में एक टाइम फ्रेम में आपको लगेगा ईश्वर कुछ है ही नहीं, बीच में एक टाइम पर आपको लगेगा ईश्वर हाथ छोड़ चुकी है,
ये मुझे पाथ में नज़र आ रही है, तब जाकर भरोसा रखिए। तब जाकर अगर भरोसा रखते हैं तो सक्सेसफुली लाइफ मिशन कंप्लीट होगा, सब कुछ। यू आर डेस्टाइंड फॉर बिग थिंग। रिलेशनशिप देखते हैं माय डियर। थैंक यू। रिफ्लेक्शन, सोलमेट एनर्जी, थैंक यू। मस्पेट का है, थैंक यू। मैं रिफ्लेक्शन कार्ड को देखूंगी, थैंक यू। रॉन्ग एक सोलमेट की एनर्जी है, बिकॉज रिफ्लेक्शन भी एक मिरर सोल की बात करते हैं माय डियर। चलिए देखते हैं व्हाई दिस कार्ड इज हियर, थैंक यू। ओके, दिस इज एक्चुअली वेनस कैंसर, प्रेम, प्रेम माय डियर, प्रेम। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली बिकॉज एक्यूरस 11th हाउस दोस्तों का घर है, कैंसर एनर्जी, करियर की वजह से, वर्क फील्ड की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से आप किसी ऐसे पर्सन से हो सकते सक्सेस मिले, बट वो पर्सन यादों में रजिस्टर्ड हो जाए माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे उसकी वाइब्स चाहिए, मतलब शादी के बाद भी वो पर्सन, जैसे आर्थ मिशन ख़त्म जिस दिन हो रही है वो पर्सन याद रहे। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। यस, दिस इज स्कॉर्पियो, यस मुझे वाइब्स आ रही थी, हिडन अफेयर, यस, एंड सिक्स्थ हाउस, एंड ऐसी पर्टिकुलरली सन वर्गो एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, ऐसी कोई पर्सन हो जिसको भुलाना मुश्किल है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये दौड़ मुझे दिखाई दे रही है माय डियर। चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनी, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। टैरो से देखते हैं, थैंक यू। ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डेस्टिनी, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। यू आर डेस्टाइंड फॉर बिग थिंग माई डियर, यू आर डेस्टाइंड फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, वो यूनियन होगा, थैंक यू। अपना तकदीर, इट्स लाइक ए डेस्टिनी मेकर एनर्जी, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज मैजिशियन, वाओ। आप मैनिफेस्टर हैं माय डियर, बहुत अच्छी तरह से अगर आप ऑथेंटिक वे पे मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा माय डियर। दिस इज़ योर पास्ट डिसेप्टिव एनर्जी, आपकी पास्ट एनर्जी में एनर्जी मौजूद है, कुछ टॉक्सिक पीपल जैसे आपकी एडवांटेज लेंगे माय डियर, और बाद में जब फीडबैक देने का टाइम आएगा, उनका रिटर्न करने का टाइम आएगा, चल बसेंगे। दिस इज़ योर करंट एनर्जी फाइव ऑफ कप्स, कोई डिफीट नज़र आ रही करंट टाइम फ्रेम में, फेलियर डिफीट नज़र आ रही करंट टाइम फ्रेम में, आपको रिलीज करना है। दिस इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, मनी ओरिएंटेड ना रहे माय डियर, कुछ जितना एक्सेस है उसको डोनेट भी कभी कभी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा सैटर्न की एनर्जी, गुरु की एनर्जी आ रही है, तो कभी कभी अगर जब आप डोनेट करते हैं 2 रुपये भी, तो 200 होकर आपके पास लौटेंगे। ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए, फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, मनी के पीछे भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए माय डियर। फ्यूचर देखें, दिस इज़ अ मून, यस दिस इज़ एक्चुअली द इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर इनहैंड सोरे, मून इज़ आवर साइकिक पावर इंट्यूशन, एंड यू आर डेस्टाइंड फॉर बिग थिंग, बट ये एंग्जाइटी इशू है माय डियर, ये आपके जीवन काल में आपकी मून पीड़ित नज़र आ रही माय डियर। मैं कुछ और मैसेजेस देखना चाहती हूँ, थैंक यू, थैंक यू। मून एनर्जी की क्लैरिटी दीजिए स्प्रिट गाइड, मून एनर्जी की क्लैरिटी दीजिए, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, थैंक यू। थ्री ऑफ वांड्स माय डियर, ये एक्चुअल में आपके लिए फेज है, दिस मून एक्चुअल में आपको एंग्जाइटी इशू भी देगा, आपके इंट्यूशन पावर को भी एनहांस करेंगे माय डियर, बट याद रखिए जीवन काल में आप काफ़ी परिवर्तन देखेंगे, एंड एक फेज से जब दूसरे फेज में जाएंगे आप स्ट्रगल फेस करेंगे, बट आपके आने वाले नेक्स्ट फेज, मतलब मेड सर्वेंट भी होगा एक्चुअली। गुरु से हम देखते हैं कितना लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, गुरु एंड वेनस बोथ, बिकॉज आपके अंडर में कोई सर्वेंट काम करेंगे या नहीं, वो मेड सर्वेंट हो कोई भी हो, कितना ट्रस्ट वर्दी होगा हम वो भी गुरु से देखते हैं। वेनस लग्जरियस लाइफ को देखते हैं, बट कहीं ना कहीं गुरु अगर बली नहीं है तो मतलब चुड़ा का लेकर जाएंगे मेरे सर्वेंट भी माय डियर, घर की चीज़ें, तो हम वो भी देखते हैं वेनस एंड गुरु से। तो यहाँ पर संभावना है आपकी आने वाले समय काल में आप एक लग्जरियस लाइफ वॉक करेंगे, बट फर्स्ट फेज में देखिए आपका पास, देखिए सेवन ऑफ शॉर्ट चीटिंग, आपकी करंट टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पर डिफीट चल रही माय डियर, बट आने वाले समय काल आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड ये आपके एक पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव चैप्टर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज। मैं यहाँ पर कुछ डायस से देखूंगी, एंड थैंक यू डेस्टिनी। ओ मैं आपको दिखाती हूँ 11th हाउस, ओके, दिस इज़ लिब्रा एंड मर्करी एनर्जी। दोस्त के साथ कुछ व्यूअर्स की शादी हो सकती है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली पर नज़र आ रही, दोस्त ही यहाँ पर हो, एंड बहुत यू नो यूथफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ आपकी शादी होगा कुछ व्यूअर्स के लिए जो सिंगल है, मैं सिंगल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, एंड
चट मगनी पट भिया होगा, जब यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के चट मगनी पट भिया मतलब सब कुछ रेडी हो जाए पर्सन, मतलब बहुत जल्दी जल्दी शादी होगी, मतलब जब शादी का समय होगा तुरंत ही होगा, बहुत देर नहीं होगा। बट हाँ, शादी जर्नी टू मैरिज डिले होगा, बट चट मगनी पट भिया मतलब एकदम से शादी की बात चल रही है तो दो साल से, एक साल से, तीन साल से चल रही, ऐसा नहीं। कुछ व्यूअर्स के लिए चट मगनी पट भिया दोस्त के साथ बेस्ट फ्रेंड ही यहाँ पर पति बने उसकी संभावना दिखाई दे रही है। एंड आपकी फ्रेंड सर्कल होगा, सोल ट्राइब है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे सोल मेंबर के साथ आप इस जन्म में कनेक्ट करेंगे। आपकी कुछ सोल ट्राइब पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है माय डियर। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी कोचिंग सेंटर, अपने पैशन को लेकर कुछ चैनल हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएंगे। कुछ कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर जाएंगे, अपनी अपनी तरीके से उसको चलाएंगे, वही ओनर बनेंगे, उनकी अंडर में लोग काम करें, बिजनेस की एनर्जी आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, बट अपनी पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।